14 दिसंबर और 3 फरवरी की मांगों को लेकर सरकार के साथ हुई सहमति के बावजूद अब तक कोई नोटिफिकेशन जारी ना करने के विरोध में आशा वर्करों का गुस्सा भी फूट पड़ा और स्टेट कमेटी के आह्वान पर उन्होंने प्रदेश भर के साथ रेवाड़ी में भी न केवल प्रदर्शन किया बल्कि सीएमओ को सरकार के नाम पर ज्ञापन सौंप कर सहमत मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की। आशा वर्करों ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान भी उन्होंने फ्रंट लाइन वर्कर के तौर पर दिन रात काम किया है और वह भी दूसरे स्वास्थ्य कर्मचारियों की तरह सरकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने में पीछे नहीं है, लेकिन सरकार है कि वादा खिलाफी करने से बाज नहीं आ रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर समय रहते उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो 21 जुलाई को वो स्वास्थ्य मंत्री के आवास का घेराव करेंगे और फिर भी सरकार नहीं चेती तो किसी वे बड़ा कोई आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे। आज हम यही चाहते हैं कि हमारी जो मांगे हमारे को पूरा करा दे, हमारे को पूरा काम का। लोग ये कहते हैं हेल्थ वाले आशा वर्कर रीढ़ की हड्डी पे इतना बोझ मत डालो ना जो टूट जाए। हमें भी भूख लगती है, हम घर से बाहर निकलते हैं, इतनी धूप में भागते हैं, कभी रात को मैसेज डाल देते जी आओ हमारे को रिपोर्ट दो, कभी दोपहर ही में हम 9 बजे के बैठे हो अधिकारी आ रहे 2-2, 4-4 बजे 3-3 बजे तो हम यूं बैठे रहेंगे। हमारे को भी तो पेट भरने के लिए कुछ चाहिए। आप ज्ञापन दोगे आप लोग? हाँ आज हम ज्ञापन देंगे।